वेलकम टू माय चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। आज का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत एंड यूनिक सा आपके लिए लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने दो फ्लावर्स को पेंट किया है और सबसे पहले यहाँ पर मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है। वाइट कलर को सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्लावर के स्ट्रक्चर में पेंट किया है। फ्लावर को पेंट करने के लिए आप सभी के लिए एक टिप है कि जब आप कलर को फ्लावर में फिल करते हैं तो आपको फ्लावर की पेटल्स की बाउंड्री से स्टार्ट करना चाहिए और फिर उसको सेंटर की तरफ लेकर आना चाहिए। इसका एडवांटेज है कि आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से फॉर्म होगा और आपका कलर भी इधर उधर बिखरेगा नहीं। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर हैं और ऐसी पेंटिंग्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस को देख सकती हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगी। एंड आपको अगर पेंटिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। जो भी ब्रशेस और कलर्स का इस पेंटिंग में यूज़ हुआ है आप उन सब की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी स्किप हो जाए तो आप वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सेट कलर यहाँ पर मैंने डार्क पिंक चूज़ किया है और डार्क पिंक कलर की मैंने हल्की सी फ्लावर में शेडिंग की है। दोनों फ्लावर्स में शेडिंग की टेक्निक थोड़ी सी डिफर होगी क्योंकि फ्लावर का स्ट्रक्चर भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अगर आप भी पेंटिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं बट आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप स्टार्ट कहाँ से करें तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिगनर्स के लिए बेसिक टिप्स ऑफ पेंटिंग का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने बहुत स्टार्टिंग पॉइंट से पेंटिंग कैसे करना है इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आप मेरी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जो भी ब्रशेस और कलर्स का इस पेंटिंग में यूज़ हुआ है आप उन सब की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी स्किप हो जाए तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं।
सबसे बड़ा थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को ही जाता है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस को उठाते भी हैं और उनको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते हैं। ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप मेरे बाकी के सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।